Assalamu alaikum, this is Farooq Sultana. Welcome to my channel Learn English Through Skills. Today's video is going to be very special. In this video, you are going to learn active voice and passive voice in 10 minutes. I assure you that after watching this video, your concepts about active voice and passive voice will be totally clear. So let's move on. Before I start my video, I request you to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you may receive my upcoming videos. So before we move towards the video of understanding active voice and passive voice, it's necessary that we understand what are subject and object. Here is a sentence. He writes a letter. This sentence ke andar, he is a noun. Writes a letter. Letter is also noun. ऐसा noun जो कोई काम कुछ कर रहा होता है, कोई action कर रहा होता है, उसको हम subject कहते हैं. So he is doing something. He writes a letter. वो खत लिखता है. वो काम कर रहा है, तो वो subject है. Writes जो भी कोई action हो रहा होता है, वो verb है. A letter जिस पे काम हो रहा होता है, वो object है. So I hope आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. जो कोई काम कर रहा होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिस पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम होता है वो वर्ब है. सो लेट्स मूव ऑन. ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसका क्लियर होना बहुत जरूरी था. सो वी आर गोइंग टू डू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टूडे. द सेम सेंटेंस आई हैव रिटन हियर. अगर आप देखें, ही राइट्स अ लेटर, it's active voice. I have changed it into passive voice. A letter is written by him. If you see, he subject tha, letter object tha. What I have done is object ko I have done made subject, or subject ko object bana diya. So we are going to learn certain rules. Total 10 rule aap seekhenge. और सिर्फ अगर आप वो 10 रूल सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 100% क्लियर हो जाएंगे. आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप ये सीखें कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको मैंने कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, परफेक्ट है. आपको बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है. टोटल 10 रूल्स हैं और रूल्स हम आपके साथ ही बनाते चले जाएंगे. तो सबसे पहला रूल आपने यही देखा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. आपने यहाँ देखा ही चेंज्ड इनटू हिम और अ लेटर सब्जेक्ट बन गया. अ लेटर इज रिटन बाय हिम. सो लेट्स लुक एट द सेकेंड रूल. ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. सो वेरी सिंपल, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम. सब्जेक्ट बना आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट. सो लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट द थर्ड रूल. थर्ड रूल आपने देखा कि इस सेंटेंस में जो चेंज आया, हियर वाज रिटन राइट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई थी, उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया और उसके साथ हमने बाय लगा दिया. तो द थर्ड रूल इज इन पैसिव वॉइस जो भी वर्ब होगी वो वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी. जैसे इस सेंटेंस में रिटन, राइट से रिटन बन गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ आ जाएगा बाय. ये एक यूनिवर्सल रूल है जो हर सेंटेंस पे अप्लाई होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. टोटल 10 रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं. 3 हमने देख लिए, अब हम आगे चलते हैं. हमने इस सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बन गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गई, बाय भी आ गई. ये इज किधर से आया, इसके लिए हम अपना फोर्थ रूल देखेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. एक और चीज़ आप यहाँ देख लें कि जब प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही विल चेंज इनटू हिम. अगर सब्जेक्ट में शी होगा, शी विल चेंज इनटू हर, it will change into it, they will change into them, we will change into us, and you will change into you. So let's move on. Okay,
आपने वही देखा कि हमारा पहला रूल था सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और बाय आएगा। अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है या डू और डस गिवन है तो आप उसको चेंज करके उसकी जगह इज एम आर लगा देंगे और बाकी ये ऊपर वाले तीनों रूल्स ही लगेंगे। अब आपने सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि क्या उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है या उसके अंदर डू या डस गिवन है। तो लेट्स सी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। द फर्स्ट सेंटेंस इज द मदर लव्स द चिल्ड्रन। सबसे पहले आपने रूल देखा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मदर सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। आपने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। आप द चिल्ड्रन को सब्जेक्ट बना दिया, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। हमने देखा लव्ड इसलिए आया कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बाय इसलिए आया कि हमारे पास थर्ड रूल है कि बाय भी आ जाएगा, बाय द मदर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना। अब ये आर जो आया वो इसलिए आया कि हमारा फोर्थ रूल है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लव्स जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको चेंज करके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो हम इज लगा देंगे, एम लगा देंगे या आर लगा देंगे, जो भी सूटेबल होगा। चूंकि यहाँ पर चिल्ड्रन था तो चिल्ड्रन के साथ आपका आर आ जाएगा। So the passive voice will be the children are loved by the mother. Let's look into the another sentence. Does the mother love the children? हमने अपना fourth rule देखा कि अगर does आता है तो helping verb is mr आ जाएगा, उसकी जगह हम replace कर देंगे is mr को। Does की जगह हमने चूंकि children थे तो हमने r pick किया, are children third form of verb loved, ये रूल आ गया, बाय आ गया, द मदर, मदर सब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट बन गया। आई होप इट्स क्लियर। द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सेंटेंस। डू यू राइट अ लेटर। हमने फिर देखा हमारा फोर्थ रूल था डू है तो इज एम आर आ जाएगा। डू की जगह हमने इज लगाया, आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। Is a letter written by, हमारा थर्ड रूल था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी written और साथ by आएगा। You subject था, हमारा object बन गया। Again subject object बना, object subject बना। Do की जगह is आ गया क्योंकि ये आपका रूल है fourth वाला। So इस तरह से we have learned four rules। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप ये देखें, सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंने क्या करना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये टोटल 10 रूल्स को याद कर लें और बिल्कुल आपको इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं उनको। सो लेट्स मूव ऑन। हमने ये फोर रूल्स देख लिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ बाय यूज होगा, और हमने ये भी पढ़ लिया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या डू और डज आता है तो उसको रिप्लेस करके हम इज एम आर लगा देंगे। तो लेट्स मूव ऑन, पांचवा रूल पढ़ लेते हैं हम अपना। हमारा जो फिफ्थ रूल है कि इफ देयर विल बी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्टिव वॉइस या डिड है तो हम उसको रिप्लेस करके वॉज वर्क कर दें। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इज एम आर, अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वॉज एंड वर का यूज होना है और बाकी ये ऊपर वाले तीनों रूल्स इसी तरह से लगेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट सम सेंटेंसेस। द मदर लव्ड द चिल्ड्रन। मदर सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना द चिल्ड्रन और सब्जेक्ट मदर थी, वो ऑब्जेक्ट बन गया, द मदर ऑब्जेक्ट बन गया। अब लव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय लग गया। हमने वर्ब क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। अगर और रूल नंबर 5 है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम उसकी जगह वॉज या वर यूज करेंगे। चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल था इसलिए हमने वर यूज कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस।
डिड द मदर लव द चिल्ड्रन, हमने अपने फिफ्थ रूल में ही देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि डिड है तो वॉजेंट वर यूज होगा. सो डिड को रिप्लेस किया हमने वर से, वर आ गया डिड की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट मदर थी, मदर ऑब्जेक्ट बन गया, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, वर द चिल्ड्रन, वही रूल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय आया, वर द चिल्ड्रन लव्ड बाय द मदर. आई होप कि अगर आप इस तरह से इसको समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करने में. सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. फाइव रूल्स हम कर चुके हैं, ये फाइव रूल्स हम कर चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, साथ बाय यूज़ होगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हम इज एम आर यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वॉजंट वर्ब यूज़ करेंगे. सो अब देख लेते हैं अपना सिक्स्थ रूल. आपका सिक्स्थ रूल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में आई एन जी आ जाता है राइटिंग डूइंग वॉशिंग क्लीनिंग वर्ब के साथ आई एन जी आ जाता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, तो आई एन जी को रिप्लेस करके आप उस सेंटेंस में बींग लगा देंगे. आई होप इट्स क्लियर कि अगर वर्ब के साथ आई एन जी आ रहा है, सिंगिंग डांसिंग राइटिंग आई एन जी आ रहा है, तो आई एन जी की जगह बींग यूज करेंगे, बी आई एन जी बींग. बाकी रूल्स वही होंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ बाय आएगा, और अगर अब हम देखेंगे कि आई एन जी आ रहा है तो हम बींग यूज कर लेंगे. आगे चलते हैं और हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल है दे आर बाइंग द हाउस. अब आपने सेंटेंस में देखा कि बाइंग आई एन जी आ गया है, आपने सिंपल बाइंग की जगह साथ बींग एड कर देना है और बाकी वही आपने रूल्स अप्लाई करने हैं. रूल नंबर 1, 2, 3 कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया, दे देम बन जाएगा, द हाउसेस ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा. दे आर बाइंग द हाउसेस, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा. आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, द हाउसेस आर बीइंग आई एन जी आया, आपने उसकी जगह बीइंग लगा दिया, आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका ये रूल है, साथ बाय आर बीइंग बॉट बाय देम. The houses are being bought by them. Being क्यों आया? क्योंकि ing को replace करेंगे आप being से. So let's look at the next sentence. The teacher is helping the student. Teacher आपका subject है. आपने subject को object बनाना है. Object को subject. The teacher is helping the student. Helping आ गया. ing आ गया. ing को आप replace करेंगे being से. द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द स्टूडेंट इज उसी तरह से इज आ गया, बींग हेल्प्ड, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, साथ बाय लगाया, द टीचर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया. क्या रूल अप्लाई किया आपने? फर्स्ट वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई आपने, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, साथ आपने बाय लगाया और आई एन जी सेंटेंस के अंदर था, आपने बींग यूज कर लिया. ये दोनों रूल अप्लाई नहीं हो रहे थे फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ रूल अप्लाई हुआ, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया. सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट रूल देखते हैं. रूल नंबर 7 देखेंगे. अभी हम ये देख चुके कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय आएगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डू डज है इज एम आर आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉज वर आ जाएगा, आई एन जी तो बींग आ जाएगा. हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन, हम देखते हैं रूल नंबर 7 क्या है हमारा. रूल नंबर 7 इज नहीं देखने की जरूरत के ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इस रूल को फॉलो करें कि अगर सेंटेंस के अंदर हैज है, हैव है या हैड है, आपने क्या करना है, हैज को हैज बीन में चेंज कर देना है, हैव विल चेंज इन टू हैव बीन, हेड विल चेंज इन टू हेड बीन, बीन लगाते जाना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी करने की जरूरत, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के अंदर हैज आ गया, हैव आ गया या हेड आ गया, आपने इस तरह से चेंज कर देना है. सो लेट्स लुक इन टू सम एग्जाम्पल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए.
Here are a few examples. Example number one is they have bought two houses. आपने देखा have आ गया. Have को क्या करना है? Have been में change कर देना है. और बाकी आपकी वही शुरू के तीन rules लगेंगे कि subject object बन जाएगा, object subject बन जाएगा. Third form of verb आएगी, buy आएगा. और आपने देखा have है, have been में change हो जाएगा. अब आपका object क्या था? Two houses. Subject बन जाएगा. Two houses have been में change हो जाएगा. Have been bought, third form of verb, साथ buy लगाया. They subject था, object बन गया them. So two houses have been bought by them. So let's move on to next sentence. The teacher has helped the student. The teacher has helped the student. सबसे पहले अपने identify कर लेना है subject क्या है, object क्या है. Subject teacher है, object student है. अब आ गया, आपने देखा कि has है sentence के अंदर. You know has को आपने has been में change कर देना है. बाकी वही rules apply होंगे. Subject object बना, object subject बना, third form of verb लगी, साथ by लगाया. आपका object था the students, वो पहले आ गया. The student has को change किया has been में, has been helped, third form of verb आ गई, by आपने add कर दिया, by the teacher, teacher object बन गया. The student has been helped by the teacher. Next sentence है they had done their homework. आपने सेंटेंस में पहचाना कि क्या है इसके अंदर. हेड है, हेड को आपने हेड बीन में चेंज कर देना है. बाकी आपके पहले वाले तीन रूल्स लगेंगे. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब साथ बाय लगा दिया. नाउ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका होमवर्क, देयर होमवर्क. सो देयर होमवर्क इधर आ गया, देयर होमवर्क हेड के साथ आपने बीन लगा दिया, हैड बीन डन और साथ बाय लगा दिया, डन बाय them, they, them में चेंज हो गया. सो देयर होमवर्क हैड बीन डन बाय देम. एक्सट्रीमली ईजी. आप इसी तरह से तीन और रूल्स हैं, टोटल 10 रूल्स हैं, इनको याद कर लें और आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई घंटे और दिन लगाने की जरूरत नहीं है. आगे चलते हैं. सो वी आर डन विद दीज 7 रूल्स के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, साथ बाय लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या डू और डज है तो इसे एमआर लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड है तो वाज वर्ब चेंज हो जाएगा, आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगा, हैज हैव हैड है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन. अब देख लेते हैं हमारा 8th रूल क्या है. 8th रूल इज कि अगर सेंटेंस के अंदर विल हैव है, बड़ा सिंपल, विल हैव विल चेंज इनटू विल हैव बीन, दैट्स ऑल. और बाकी वही रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ बाय आ जाएगा. सो लेट्स लुक इनटू फ्यू एग्जांपल ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. नाउ द सेंटेंस इज दे विल हैव बॉट टू हाउसेस. विल हैव आ गया, आपको पता चल गया कि मैंने विल हैव को विल हैव बीन में चेंज कर देना है. दे विल हैव बॉट टू हाउसेस. आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट टू हाउसेस हैं. आप टू हाउसेस पहले ले आए. टू हाउसेस विल हैव को विल हैव बीन में चेंज कर दिया बिकॉज आपका ये रूल नंबर 8 है. टू हाउसेस विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट, साथ आपने बाय ऐड कर दिया, आपका रूल नंबर 3 था. बाय दे सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना के आपने देम बना दिया. ये हमने देखा था कि जब वो प्रोनाउन फॉर्म है तो दे देम बन जाएगा. सो टू हाउसेस विल हैव बीन बॉट बाय देम. So let's look at the next sentence. The teacher will have helped the student. आपने identify कर लिया, teacher subject है, the student object है, will have आ गया. You know it कि मैंने will have को will have been में change कर देना, that's all. आपने object उठाया, the student will have been helped, third form of साथ आपने by लगा दिया, the teacher subject object बन गया. The student will have been helped by the teacher. Very simple. आगे चलते हैं. They will have done their homework. आपने सबसे पहले identify कर लिया कि subject क्या है मेरा. Subject आपका they है, object आपको their homework है. अब आपने देखा कि sentence में will have है, will have rule number 8 apply होगा, will have been. आप object को subject बनाएंगे. Their homework will have been done by they, them.
their homework will have been done by them. Very simple. Rule number आपका 8 था, will have will change into will have been. दो और rules हैं और आपके active voice, passive voice done. नेक्स्ट चलते हैं. आपके 8 रूल्स हो गए, वही जो आपने देखे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू डज है इज एम आर में चेंज हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, आई एन जी है बींग में चेंज हो जाएगा, हैज हैव हैड है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में चेंज हो, विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नंबर 9, विल और शेल. अगर सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस के अंदर विल है या शेल है, तो विल बी में और शेल शेल बी में चेंज हो जाएगा. दैट्स ऑल. आपने नहीं देखना कि फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ इन चीजों का आइडेंटिफाई करना है. सेंटेंस में देखा विल है, विल बी में चेंज हो जाएगा, शेल शेल बी में. दैट्स ऑल. और बाकी आपके ऊपर वाले 3 रूल लगेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय लग जाएगा. सो लेट्स लुक इनटू फ्यू एग्जांपल्स. सेंटेंस है दे विल बाय 2 हाउसेस. आपने पहचान लिया विल है, तो मैंने क्या करना है, विल को विल बी में चेंज कर देना है. और आपके पहले वाले 3 रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और दैट्स ऑल. सो ऑब्जेक्ट था आपका 2 हाउसेस, आप 2 हाउसेस पहले ले आए, सब्जेक्ट बना दिया 2 हाउसेस, विल बी में चेंज हो जाएगा, विल बी बाय बॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था, बॉट और साथ बाय आ जाएगा, बॉट बाय देम. दे सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना, जब वो ऑब्जेक्ट बना तो देम में चेंज हो गया, 2 हाउसेस विल बी बॉट बाय देम. नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स. टीचर आपका सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है. आपने देखा कि विल आया है, मैं इसको चेंज कर दूंगी या कर दूंगा विल बी में. सो लेट्स लुक इनटू इट. द स्टूडेंट आपने सब्जेक्ट बनाया, द स्टूडेंट विल बी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय द टीचर, द स्टूडेंट विल बी हेल्प बाय द टीचर. नेक्स्ट सेंटेंस है आई शेल डू माई होमवर्क. अब आ गया शेल. आप यू नो इट वेरी वेल, शेल को शेल बी में चेंज कर देना है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, होमवर्क ऑब्जेक्ट था, आपने सब्जेक्ट बनाया, माई होमवर्क शेल बी डन, डू डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय आपने ऐड किया, बाय मी, माई होमवर्क शेल बी डन बाय मी. सो आपके 9 रूल्स क्लियर हो गए, सिर्फ 1 रूल रह गया. सो लेट्स मूव ऑन. 9 रूल्स आर डन. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ बाय आ जाएगा. अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इज एम आर आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉज वर आएगा, आई एन जी है बींग आएगा, हैज हैव हैड है, has been, have been, had been आएगा, will have है, will have been आएगा, will और shall है तो will be और shall be आ जाएगा. So let's look into the 10th and last rule. आपको जो last और 10th rule है वो है कि अगर sentence में must होए तो must be में change हो जाएगा. That's all. So let's look into some examples. They must buy 2 houses. सब वही 3 रूल्स लगाने हैं. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं. 2 हाउसेस मस्ट बी बॉट बाय देम, बाय बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ अपने बाय ऐड किया, दे को देम बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, दैट्स ऑल. 2 हाउसेस मस्ट बी बॉट बाय देम. नेक्स्ट इज द टीचर मस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स. आपने आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट क्या है, टीचर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मस्ट आ गया. आपको पता है मस्ट को मैंने मस्ट बी में चेंज करना है. द स्टूडेंट मस्ट बी हेल्प बाय द टीचर. टीचर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया. सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. दे मस्ट डू देयर होमवर्क. दे सब्जेक्ट है,
देयर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, मस्ट आ गया, मस्ट विल चेंज इनटू मस्ट बी। देयर होमवर्क ऑब्जेक्ट हुआ, मैं सब्जेक्ट बनाया, देयर होमवर्क मस्ट विल चेंज इनटू मस्ट बी, देयर होमवर्क मस्ट बी डन बाय देम। डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, साथ बाय लगाया, दे को देम में चेंज किया एंड योर सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देयर होमवर्क मस्ट बी डन बाय देम। ये टोटल 10 रूल्स हैं, सो लेट्स मूव हियर। यही टोटल 10 रूल्स हैं जिनको आपने याद करना है, और आपको इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझने में, करने में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 10 रूल याद रखें, अप्लाई करें और आपका हर सेंटेंस चेंज होता चला जाएगा। क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दें। फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी है आपने पैसिव में, उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देना है, साथ बाय लगा देना है। अब आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को कि अगर उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू है, डज है, उसको चेंज कर दें इज एम आर में। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या डिड है, वॉज वर्ब में चेंज कर दें। आई एन जी है, उसको बींग में चेंज कर दें। हैज हैव हैड है, उसको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में चेंज कर दें। विल हैव को विल हैव बीन में, विल और शैल को विल बी, शैल बी, मस्ट मस्ट बी में, दैट्स ऑल। बस इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है कि आपको कोई 15 दिन चाहिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपने ये रूल अप्लाई करना है और सेंटेंस को सॉल्व कर देना है। उसके अलावा सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही हिम में चेंज होगा, शी हर में, ये आपको बहुत पहले ही पता होगा, दे देम में, वी अस में, यू यू में, दैट्स ऑल। अब अगर आप टेंस वाइज भी इसको देखना चाहें तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो इससे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंसेस में देखें तो आपको पता है कि 3 मेन टेंसेज हैं आपके, प्रेजेंट, पास, फ्यूचर, उसकी आगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस है। आप ये याद रख लें कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस, उनका पैसे बनता ही नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो पास्ट का कंटिन्यूस है उसका पैसिव नहीं होता, फ्यूचर का कंटिन्यूस है उसका भी पैसिव नहीं होता। बाकी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं जिनको आप चेंज करते होते हैं। मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ज़रूरत ही नहीं है कि आप टेंसेस की तरफ जाएं, आपके सिंपल ये रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है, इनको याद रखें और आपको ये करने में कतन कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको कोई मुश्किल हो, काइंडली राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आपके मैं हर तरह के जो भी क्वेरीज होंगी उसका मैं आंसर करूँगी, एंड इफ़ यू विल आस्क मी, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी करवा दूँगी कि यही रूल्स अप्लाई करें, प्रैक्टिस सेंटेंसेस करें और आप बहुत आराम से जो है ना इसको कंप्लीट करने में के काबिल हो जाएंगे। सो इन द एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू वांट मी टू कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।